अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब मधुबाला की आंखों की पूरी दुनिया दीवानी थी और हेलेन के फिगर के चर्चे चारों तरफ हुआ करते थे। लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिनके पास ना ही मधुबाला जैसी आंखें थी और ना ही हेलेन जैसी फिगर। जब भी गुजरे जमाने की एक्ट्रेस का जिक्र होता है तो लोगों की आंखों में सबसे खूबसूरत आंखें, बेहतरीन फिगर और सबसे प्यारी मुस्कान की छवि आ जाती है। लेकिन उन सभी में एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिन्हें न सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए बल्कि उनकी कॉमेडी के लिए भी पहचाना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस टुनटुन की। उस वक्त कहा जाता है कि जिस फिल्म में टुनटुन है उसमें कॉमेडी का भरपूर मजा मिलेगा। आज की जेनरेशन भले ही टुनटुन को न जानती हो लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वे एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कई गाने भी गाए जो आज भी लोग सुनते हैं। टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। टुनटुन की उम्र काफी कम थी जब उनके माता पिता की हत्या कर दी गई। माता पिता के जाने के बाद टुनटुन की जिम्मेदारी उनके रिश्तेदारों ने और उन्हें अपने साथ ले आए। टुनटुन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। वह अक्सर रेडियो से गाने सुनकर गाने का रियाज करती थी। टुनटुन की बचपन में ही तमन्ना थी मुंबई जाकर गायन में अपना करियर बनाएंगी। लेकिन उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई करना तक मुश्किल था तो गायिका बनना तो दूर की बात। एक दिन टुनटुन की सहेली मुंबई से टुनटुन के गांव उनसे मिलने आई। क्योंकि दोनों सहेलियां काफी सालों बाद मिली थी तो खूब गपशप हुई। बातों ही बातों में उनकी सहेली ने उन्हें मुंबई की फिल्मी दुनिया के बारे में बताया। टुनटुन की आंखों में पहले से ही गायकी का सपना था। अब उन्हें अपनी सहेली से पता चला कि उनकी पहचान फिल्मी लोगों से है तो टुनटुन ने अपनी सहेली से कहा कि क्या वो भी उनके साथ मुंबई जाकर काम कर सकती हैं? उनकी सहेली ने कहा क्यों नहीं और कुछ दिनों बाद वे दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई आकर टुनटुन ने संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर दस्तक दी। नौशाद से मिलने पर उन्होंने अपना गायिका बनने के सपने के बारे में उन्हें बताया। लेकिन नौशाद साहब ने टुनटुन की गायकी बिना सुने ही उन्हें काम देने से मना कर दिया। टुनटुन नौशाद के सामने जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वह उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएंगी। नौशाद साहब हैरान हो गए। उन्हें लगा कि कहीं टुनटुन सच में न कूद जाए, इसलिए उन्होंने टुनटुन का छोटा सा ऑडिशन लिया। टुनटुन की आवाज से नौशाद इतने प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन बेहद कम लोग ही जानते हैं कि खूबसूरत गाने के पीछे आवाज गायिका उमा देवी उर्फ टुनटुन की है। उनका पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूँ था। ये गाना सुपरहिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। ये गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वो अपना मुल्क छोड़ भारत आ गए और टुनटुन से शादी कर ली। टुनटुन ने जरा मुड़के तो देख, छोड़ ना मेरी जुल्फे, रिमझिम के गीत जैसे 45 गाने गाए। कुछ समय बाद घरेलू जिम्मेदारियों के कारण टुनटुन ने इससे दूरी बना ली। उनके पति अख्तर नौकरी करते थे, परिवार बढ़ने के साथ सैलरी कम पड़ने लगी, इसलिए टुनटुन ने फिर काम करने की सोची। इस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आ चुकी। टुनटुन को गाने मिलने अब कम हो गए तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तू फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। टुनटुन फिल्मों में आने के लिए फौरन तैयार हो गई। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी। शर्त थी कि अगर फिल्म में दिलीप कुमार होंगे तभी टुनटुन एक्टिंग करेगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े। लेकिन 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर क्या था, टुनटुन ने अपनी एक्टिंग का जलवा भी पर्दे पर बिखेरा और उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। इस दौर के सभी बड़े कलाकार भगवान दादा, जॉनी वॉकर, राज कपूर, केशव मुखर्जी के साथ टुनटुन ने काम किया और अपने 5 दशक के कैरियर में टुनटुन ने जब जब फूल खिले, गंगा की लहरें, शिकारी, शमा जैसी 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। टुनटुन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके चेहरे को देखने के बाद कई उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। इनकी मशहूर फिल्मों में आर पार, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और मोम की गुड़िया शामिल हैं। कहना गलत नहीं होगा
कि आज की पीढ़ी चुलबुली एक्ट्रेस के अभिनय का आनंद नहीं ले पाएगी, क्योंकि 24 नवंबर 2003 को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और लोग उनका सम्मान करते हैं। आज भी फिल्मों में उनके अद्भुत प्रदर्शन को याद किया जाता है। ऐसे ही और किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अनसुने किस्से।